गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम नैनीताल के तालाब के पास कुछ नाव वाले अपने नाव को सजने में लगे हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक बैठे और इस बोटिंग का आनंद लें। देखो दोस्तों, कुछ लोगों के लिए मौज मस्ती हो सकती है, लेकिन किसी के लिए ये रोजी रोटी का सवाल है। पर्यटक भी यहाँ आने लग गए हैं जो नाव वालों के लिए अच्छा है। और ये देखिए, बहुत सारी बोट्स यहाँ पर रखी हुई हैं पीछे से, और कुछ यहाँ पर रिपेयर हो रही हैं, कुछ रिपेयर हो चुकी हैं, कुछ अनफिनिश्ड हैं, कुछ फिनिश्ड हो चुकी हैं, फिनिशिंग हो चुकी है इनकी, अभी पानी में उतरने को तैयार है। और कुछ बोट ये रखी हुई है यहाँ पर, उनका पार्ट्स यहाँ रखे हुए हैं, देखो तो पेंट किया गया है वो, देखिए नीचे नाव है वैसी बन जाएगी ये। और इधर ये बोट है, इसमें पैचेज वगैरह लगे हुए हैं। क्या है कि पानी लगते लगते कि सड़ जाती है, गल जाती है, तो इस पर ये पैचेज वगैरह लगाए जाते हैं ताकि कोई नुकसान ना हो। इधर ये दूसरी नाव रखी हुई है, ये बिल्कुल तैयार है, रेडी है 90% तक, बस इसमें पेंट्स जो इसमें वॉर्निश किया गया है ये सूख जाए तो पानी में उतरने को बिल्कुल तैयार है। वो देखिए कितना सुंदर दृश्य है, जो तलिताल है वहाँ हम अभी जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर कुछ फोटोग्राफर्स की दुकान है जो आपकी यादों को सजोने में आपकी मदद करते हैं। वैसे नैनीताल का क्या नज़ारा है, बहुत खूब नज़ारा है। ये हमारे मित्र हैं जो बता रहे हैं कि भाई पेंट्स का सूख चुका है, हाँ लगता है कि एक दो दिन में ये पानी में उतर जाएगी और लोग जिसका है इसकी आजीविका तैयार हो जाएगी, वो अपनी कमाई शुरू कर सकता है। वाह क्या सुंदर दृश्य है। ये है फुटपाथ टाइप का ये फील्ड है यहाँ का, यहाँ स्पोर्ट्स होते हैं नैनीताल के। वो पीछे जो आपको पहाड़ दिख रहा है वो नैना पीक है, उसको पहले स्नो व्यू बोलते थे, ये नैना पीक है। और ये है नगर पालिका, ये भारत की सबसे पुरानी नगर पालिकाओं में से एक है और उत्तर पश्चिम भारत की दूसरी सबसे पुरानी नगर पालिका। और ये जो फील्ड है कि अपनी तरह का ऐसी दुनिया में जो नेचुरल कंक्रीट के फील्ड बने हैं शायद दो चार होंगे, उसमें एक नैनीताल का फील्ड भी है, ये फ्लैट बोलते हैं इसको। और यहाँ पर हम जा रहे हैं, अभी ये रास्ता जा रहा है मंदिर साइड को और गुरुद्वारा साइड को जाएगा ये रास्ता। और यहाँ पर ये दुकानों का सामान रखा हुआ है, अभी दुकानें लगेंगी क्योंकि सुबह 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 कोई भीड़ होती नहीं है, तो अभी ये अपना सामान लाए हैं, एक दो तीन बजे बाद ये दुकान यहाँ पर लगाना चालू कर देंगे। 3-4 बजे बाद यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, काफ़ी अच्छी भीड़ हो जाती है यहाँ पर। ये बनाया हुआ कुछ पार्क वगैरह लगता नहीं है कि यहाँ पर क्यों बनाया होगा, मेरे समझ तो आता नहीं है, मेरे समझ से तो परे है, लेकिन फिर भी जिसने बनाया होगा तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। वो सामने कैपिटल सिनेमा है, नैनीताल का पहला कैपिटल सिनेमा, पहले ये इंग्लिश पीरियड में ऑडिटोरियम हुआ करता था, और अब तो यहाँ पर काफ़ी कुछ बदलाव है। ये देखिए फील्ड, वही मैं आपको बताया था ना पार्क, झूले लगे नहीं है नीचे, वो स्नो व्यू है वहाँ पर, रोपवे जाता है यहाँ से ऊपर को, रोपवे जाता है स्नो व्यू देखने के लिए। लेकिन कितना सुंदर है, कितनी सुंदर हवा आती है यहाँ पर, देखो साफ एकदम नीला आसमान। चलिए अब चलते हैं, आपको तलिताल लेके चलते हैं। ये है तलिताल, अभी हम तलिताल में आए हुए हैं। ये तलिताल का स्टेशन है, बस स्टैंड, और यहाँ पर टैक्सी स्टैंड भी है। सामने दो स्नो व्यू दिख रहा है, और ये सामने चाइना पीक, नैना पीक, और इधर टिफिन टॉप, बीच में ये तालाब, तालाब में और ये मछलियाँ हैं। यहाँ की खासियत ये है कि इन मछलियों को कोई मार नहीं सकता, यानी कि इस मछलियों का शिकार कोई कर नहीं सकता, यहाँ पर पूरा तरह से बैंड है। यहाँ पर जो भी मछलियाँ हैं ये सुरक्षित हैं, जो पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। और देखिए पूरा ये मॉल रोड है साइड में, इधर साइड ठंडी सड़क है, उधर मंदिर भी हैं। अभी हम आए हुए आधे ताल में, अधम ताल बोलते हैं इसको, हाफ लेक। हाफ लेक में लाइब्रेरी है, बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, इंग्लिश पीरियड की लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी के पीछे हम खड़े हैं, यहाँ पर देखो कुछ डक्स हैं, बतख। यहाँ पर लंबे समय से इन बतखों का यहाँ पर रखरखाव किया जाता है, यहाँ लालन पालन यहीं पर किया जाता है। अब नगर पालिका के हाथ में है इनका लालन पालन, इन बतखों का, और यहीं पर इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं पर रही है ये। और नैनीताल की सुंदरता में इनका अहम योगदान है, जब ये शाम को निकलती हैं अपनी लाइन से या सुबह निकलती हैं लाइन से तो दिखने लायक होती है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ।